के गांव झंझाड़ी में 26 दिसंबर 2019 को एक ही परिवार के तीन लोगों पर दुकान पर बैठे अज्ञात लोगों द्वारा हुए गोलीकांड मामले में पुलिस ने चार आरोपी को पिस्टल के सहित किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों को आज पुलिस कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी। मामला पुरानी रंजिश का निकला। आज करनाल के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 26 दिसंबर को झांझड़ी गांव में गोल्डी, उसके पिता जय भगवान व चाचा धर्मवीर पर अज्ञात बदमाशों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग करके जान से मारने का प्रयास किया गया था, जिस बारे में सदर थाना में केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने अपनी कार्यकुशलता दिखाते हुए गोलीकांड के मुख्य आरोपी नरेश व उनके अन्य साथी सुनील और शूटर राहुल और सोनू को गुप्त सूचना के आधार पर कल कुरुक्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान सच सामने आया कि नरेश के साले विकास और पिंटू की हत्या करने के बारे में मुखबरी गोल्डी व कृष्ण द्वारा की गई थी, उसी का बदला लेने के लिए साजिश रच कर इस घटना को अंजाम दिया गया। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हो कि 26 दिसंबर 2019 को झंझाड़ी गांव में गोल्डी, जो ऑलरेडी एक 302 के केस में अरेस्ट हुआ था और पिछले चार महीने से बेल पे था, उसके ऊपर और उसके साथ साथ उसकी शॉप है वहां किराने की, उसके फादर और उसके चाचा तीनों के ऊपर फायरिंग करके अटैक किया गया था 26 तारीख की शाम को। इमिजिएटली वहाँ जो है, जैसे ही सूचना मिली तुरंत पुलिस पहुँची, जो एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं तुरंत वो कलेक्ट किए गए। उन तीनों को हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए लेके जाया गया। उन तीन में से मैं कंडीशन बता दूं उनकी, दो तो बिल्कुल स्टेबल हैं, एक अभी भी थोड़ा उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, तो दो जो डॉक्टर से बात हुई वो स्टेबल हैं। तो जैसे जैसे जो एविडेंस कलेक्ट हुआ हमने टीम्स लगाई और तभी से इस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी थी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे काफ़ी लीड्स मिली हैं, तो उसी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए कल 4 बजे कुरुक्षेत्र गुज्जर धर्मशाला के पास से इन चारों को अरेस्ट किया गया है। इसमें जो मास्टरमाइंड था वो नरेश अंजनथली था, जिसके भाई का मर्डर हुआ था, उसके साले का भी मर्डर हुआ था, जिसमें ये पिंटू, जिसमें गोल्डी ये भी उस केस में एक्यूज था। बबली अंजनथली के भाई, जो बबली अंजनथली का सगा भाई है नरेश, जिसकी अभी आपने फ़ोटो भी ली है, तो ये इसमें मास्टरमाइंड था। इनके साथी जो सात तीन लड़के अरेस्ट किए हैं, जिसने फायरिंग की थी जो अभी फुटेज में भी आपने देखा है, उसका नाम है राहुल, ये मुंडड़ी गांव का रहने वाला है, ये नरेश का पुराना जानकार है। इसके साथ साथ एक सोनू जो मुंडड़ी गांव का और नरेश वो भी अंजनथली गांव का, इन चारों को भी अरेस्ट किया गया है। दो लड़के शॉप के अंदर आए थे जिन्होंने फायरिंग की, करीब 11 गोलियां जो है इन्होंने दो वेपन के साथ उस दिन चलाई थी, एक वेपन उसमें से रिकवर कर लिया गया है, दूसरा अभी पुलिस रिमांड के दौरान इनसे बाकी वेपन की रिकवरी की जाएगी, और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन सबको भी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जैसा मैंने पहले भी कहा है आपको, ऐसे इंसिडेंट्स में जिसका चाहे थोड़ा रोल हो चाहे ज़्यादा रोल हो, उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी है इनमें से? बिल्कुल, इनका आपराधिक रिकॉर्ड है। जो शूटर था मेन राहुल, उसके खिलाफ 307 का भी एक केस दर्ज है। इसके अलावा ये बेल पे था पुंडरी थाना डिस्ट्रिक्ट कैथल में एक केस में, 326 का केस था, और नरेश के खिलाफ भी पहले आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, 302 का भी केस में ये अरेस्ट हुआ था लेकिन बाद में बरी हो गया था। और भी कुछ केसेस हैं, बाकी अभी हम डिटेल उनकी ले रहे हैं कि और कितने केस का बदला लेने के लिए जो इसके ब्रदर इन लॉ का मर्डर हुआ था पिंटू विकास एलियस पिंटू का, उसमें क्योंकि ये अक्यूज था, उसने रेकी करके सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, उस रंजिश रखते हुए और बदला लेने की नीयत से इन्होंने वारदात को अंजाम दिया। कितनी बड़ी कामयाबी, नए साल से एकदम पहले ये इस तरह का कांड हो गया। देखिए, ये तो जो भी, मेरी आपके माध्यम से ये भी अपील रहेगी कि आपसी रंजिश में और दुश्मनी में कोई फायदा नहीं। आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, ये तो चलो बचाव हो गया, अदरवाइज ऑलरेडी इसमें दो मर्डर हो चुके हैं, तो इससे ना केवल इनका, इनके परिवार का भी और पूरे एक समाज पे भी एक गलत मैसेज जाता है। सिक्योरिटी मिली थी सर नरेश को कुछ पुलिस की तरफ से? नरेश को बिल्कुल, क्योंकि इसको धमकी दे रखी थी, इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रखी थी। अभी इनको अरेस्ट किया है, अभी पुलिस रिमांड हम सीख करेंगे और जो फर्दर एविडेंस कलेक्ट किया जा सकता है वो कलेक्ट किया जाएगा। सभी को सर आपराधिक रिकॉर्ड है इसमें? अभी राहुल का और नरेश का और इनके बाकियों का, हम सोनू का है उसका भी आपराधिक रिकॉर्ड है, बाकी हम अभी चेक करवा रहे हैं। इनसे .32 का पिस्टल है जो आप अभी देख रहे हो, ये ही वारदात में यूज हुआ है, जो कि फुटेज में भी दिख रहा है।
वो अभी रिकवर किया गया है। एक और वेपन है वो अभी रिकवर करना है। वारदात में जो व्हीकल यूज हुआ उसका पता लग गया है, इसके अंदर और भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, अभी उनकी भी गिरफ्तारी पेंडिंग है। इनमें से जो राहुल है ये मुंडरी गांव पुंडरी में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट कैथल में, वहां का रहने वाला है। और जो सोनू लड़का है ये भी मुंडरी गांव का है। नरेश और जो शीला है ये अंजनथली गांव के ही रहने वाले हैं।